अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं लवली एनिमल विद सनोबर। तो ये जो चैनल पर नए हैं लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए हमारा कितना नुकसान हुआ है। ये सारे कॉकटेल हमारे वायरस में आ गए हैं। कुछ नहीं है इनको, ना इनको मोशन है, देखें बिल्कुल सही का महंगा है। ये रेड आइस वाइट है, बिल्कुल प्योर वाइट पर वगैरह देखें, ये भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही थे। ये पता नहीं चल रहा था, खाना पी नहीं खा रहे थे बस, ये लोग ना खाना पीना छोड़ देते हैं। तो बस इनको सिरिंज से दवाइयाँ पिलाई हैं और ये जो है ना सारे मर गए। इस तरह सारी कॉलोनी बीमार हुई हुई है कॉकटेल की, बहुत गंदा वायरस आया हुआ है। मौसम असल में बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत हब से कभी एकदम हवाएं चल जा रही हैं, तो हवाएं भी गर्म हैं, कोई ठंडी ठंडी हवा नहीं चल रही है। तो इस वजह से परिंदे यानी किस तरह का वायरस है कि इतना समझ आ रहा है ना कुछ, कोई दवा सर ही नहीं कर रही है। सबसे महंगा वाला तोता था ये, जैसे माशाल्लाह हाथ में लेने से पता चल रहा है कि सेहतमंद बिल्कुल परवर कुछ साफ क्लियर, इसको देखिए ना कोई मोशन ना कुछ। चलो मोशन हो रहे हों तो समझ भी आता है, कुछ भी नहीं, फिर भी बेचारे इस तरह से मर गए। बस दवाई पिए इन लोगों ने और ये जो है ना मर गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो और परिंदे वायरस में आए हुए, और कॉकटेल जो है जो वायरस में है। ये देखें ये जितने हैं ये सब वायरस में हैं। ये पूरा पिंजरा खाली हो गया, पूरा पूरा पिंजरा खाली है। नीचे जो तोते हैं ये भी वायरस में हैं, और ये जो सारे बाहर घूम रहे हैं इन सब के हमने पर काट कर इनको छोड़ दिया है। जब कुछ खा पी रहे हैं तो बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कम से कम 30-40 हज़ार का नुकसान हुआ है। क्योंकि बहुत महंगे परिंदे होते हैं, कोई सस्ते नहीं हैं। प्लीज़ अगर किसी को इनकी इस वायरस के बारे में पता हो या कोई ऐसी दवा पता हो जिससे ये जल्दी ठीक हो जाते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें कोई दवा समझ में नहीं आ रही है। महंगी से महंगी अच्छी से अच्छी दवा ले चुके हैं, इन लोगों को खिला चुके हैं, फीट अलग से इनको बना के सिरिंज से खिलानी पड़ रही है। तो माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं, तो काफ़ी देर लग जाती है इनको देखने में ही सिर्फ, वो तो अम्मी हमारी देखती रहती हैं। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि उनकी थोड़े ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो वो लेट जाती हैं, जाके उन हम बोलते हैं उनको फिर आराम कर लो। तो इस वजह से मैं उनकी बेटी हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट किया करें, वीडियो पूरी देखा करें। अगर किसी को इस वायरस के बारे में पता हो तो प्लीज़ बताएं। ये देखें ये जोड़ा भी बैठा हुआ है, ये मुझे वायरस में ही लग रहा है, अल्लाह ताला एयर करे। इन सब के बच्चे थे छोटे छोटे, अब उनको अलग ले गई हैं अम्मी, 4-5 बच्चे थे बहुत छोटे थे, तो अब वो उनको नीचे ले गई हैं, अब उनको वो पालेंगी, सिरिंज से खाना वाना खिलाना हर चीज़ करना। इनकी दुमे काट कर छोड़ दिया है, अभी इसमें खाना वाना भी रख दिया है, पानी भी रख दिया है। जो खा रहे हैं खुद से वो थोड़ा बेहतरी की तरफ हैं, ये देखें ये खुद से खा रहे हैं तीनों, थोड़ी सी बेहतरी की तरफ हैं। बाकी जो सारे हैं इनको खिलाना पड़ रहा है, कुछ पिंजरे के नीचे हैं, बहुत सारे हैं ये, आप लोगों को तो कम लग रहे हैं, ये पिंजरों के नीचे हैं, और ये जो पिंजरों के अंदर जो आपको दिख रहे हैं ये भी वायरस में है। ये पूरा का पूरा कॉकटेल का पिंजरा था, ये अच्छे अच्छे जोड़े थे देखें इसमें, ये भी खाली, ये भी खाली, सब पिंजरे खाली, पूरा पिंजरा कॉकटेल से भरा हुआ था, सब में वायरस है। तो सबको धूप लगाएंगे, इनकी चीज़ों को कुंडलियों को अल्लाह ताला इनको ठीक करें। किसी को भी इनकी दवाओं के बारे में कुछ मालूम हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, क्या पता जानवर परिंदों की दुआ लेने से।
अल्लाह ताला आप पे भी रहम करे, ठीक हो जाए परिंदे। और क्या चाहिए, उनकी तकलीफ़ दूर हो जाए। किसी की तकलीफ़ दूर करना भी एक सवाब है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला जो बेहतर समझे। लाइक करें, ये देखें, ये रहे। चल फिर रहे हैं, भाग रहे हैं, मगर ये सब वायरस में। ये आप लोगों को लग रहे होंगे एक्टिव, मगर ये एक्टिव नहीं है, ये खा पी नहीं रहे। इनको खिलाना पड़ रहा है, अम्मी सबको सिरिंज से खाना खिला कर, पानी वानी बहुत कम दे रहे हैं इनको, क्योंकि फीड बना के रखी हुई है उन्होंने, उसमें काफ़ी चीज़ें मिक्स करी हुई हैं, तो वो फीड इनको देना पड़ती है, तो वो इनको दे रही हैं, तो थोड़े बहुत यानी कि ये चल रहे हैं। वरना ये सब अभी ऐसे बैठे हुए थे, गिरे हुए थे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।